हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शार्क। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यार रिकर्शन फोर देंगे शीट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार एक प्री रिक्विजिट है इस शीट को करने से पहले। इस शीट को करने के लिए यार तुम्हें किसी भी लैंग्वेज के बेसिक्स आने चाहिए यार, ठीक है। अब ये लैंग्वेज कौन कौन सी हो सकती है? तो लैंग्वेज यार कोई भी हो सकती है, इधर सी प्लस प्लस, जावा, पायथन, जावास्क्रिप्ट, और जो जिसमें भी तुम कोडिंग करते हो, जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो, बस उसके बेसिक्स आने चाहिए और तुम ये शीट फोड़ दोगे यार। तो चलिए यार विदाउट टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शीट पे मूव करते हैं, आ जाओ। सो यार ये रही अपनी मच अवेटेड सीरीज रिकर्शन फोड़ देंगे बाय कोड शार्क। यार इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट लिंक को क्लिक करने से पहले एक बार ये सुन लो कि ये शीट करनी कैसे है। आओ यार। तो यार सबसे टॉप पे तुम्हें मिल जाएगा यार कोर्स लिंक। अगर तुम जिस पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हें रीडायरेक्ट कर देगा अपने कोर्स पर नेम्ड रिकर्शन फोर देंगे। तो यार सेकंड तुम देखोगे तो तुम्हें मिलेगा थ्री स्टेप प्रोसेस। ये थ्री स्टेप प्रोसेस क्या है यार? ये थ्री स्टेप प्रोसेस है रिकर्शन लिखने का, जिसमें सबसे ऊपर बेस केस आता है, सेकंड में ट्रस्ट भरोसा ऑन रिकर्शन, और थर्ड आता है तुम्हारा काम। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है यार सीरीज के अंदर। तो यार अब आते हैं मेन बात पे यार। इस शीट को करने से पहले इट्स मैंडेटरी टू वॉच दिस वीडियो। देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये इसका लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करो, ये तुम्हें लेक्चर वन पे रिडायरेक्ट कर देगा यार। ये वीडियो देखना इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हें समझ में आए कि रिकर्शन होता क्या है, लिखते कैसे हैं, और आगे कैसे जाना है रिकर्शन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यार। आगे तुम जाओगे तो यहां पर नीचे कुछ बेसिक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को करने हैं तुमको सबको। तो अगर तुम इस क्वेश्चन पे हवर करोगे तो तुम्हें रिडायरेक्ट कर देगा यार उस क्वेश्चन पर, और वहां पर तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। और यहां पर यार वीडियो सॉल्यूशन गिवन है, तुम इन लिंक्स पे क्लिक करोगे तो तुम्हें वीडियो पर ले जाएगा जहां पर हमने पूरे सॉल्यूशन डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन करने के बाद भी आई वुड रिकमेंड कि तुम ये वीडियो देखो, क्योंकि हमने ऑप्टिमाइजेशन की बात की हुई है यार इन सब वीडियोज में। ओके नीचे आते हैं यार। इसमें इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स गिवन है, जो हमने पैटर्न प्रॉब्लम्स करी थी, जिसमें हमने दो स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी, तुम ये सब चीज जानते हो, और उनके भी यहाँ पर लिंक्स गिवन है जो तुम्हें रिडायरेक्ट कर देंगे इनके सॉल्यूशंस पर, ठीक है। नीचे आते हैं तो यार देखो ये भी मैंने मैंडेटरी मार्क किया हुआ है। ये बैक ट्रैकिंग का मैंडेटरी मार्क इसलिए किया हुआ है यार, ये देखना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हें पता चले कि बैक ट्रैकिंग की नीड क्यों पड़ी, बैक ट्रैकिंग कैसे यूज करते हैं, और बैक ट्रैकिंग क्या है, ठीक है। उसके भी नीचे यार यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, वो तुम कर लेना। नीचे दो बोनस प्रॉब्लम लगाई हुई है, ये भी कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं ताकि तुम्हारे बेसिक्स टेस्ट किए जा सके। अगर करूं आगे की बात तो यार अगर तुम साइड में जाओगे तो यहां पर मैंने कंपनीज के टैग्स लगाए हुए हैं यार, जिनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि रिकर्शन डायरेक्टली कोई कंपनी नहीं पूछती है, ये जो चीजें हैं ये आगे क्वेश्चंस में मैशअप होके पूछी जाती हैं। बट तुम अगर नीचे देखो तो यार जैसे बैक ट्रैकिंग के जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो पूछे गए हैं, ये इसलिए पूछती है यार कंपनीज ताकि तुम्हारे बेसिक्स टेस्ट कर सके कि तुम्हें कितने बेसिक्स आते हैं। अब यार एक डाउट रह सकता है तुम्हें, वो डाउट है भैया इज दिस सफिशियंट? तो यार मैं कहूंगा अ बिग यस। हाँ भाई ये सफिशियंट है भैया। क्या ये मुझे रिकर्शन प्लस बैकट्रैकिंग में प्रो बना देगी? नहीं भाई, क्योंकि अभी हम डीपी में लगाएंगे, अभी हम ग्राफ में लगाएंगे, अभी हम ट्रीज में लगाएंगे, बट तुम्हें ये शीट हेल्प करेगी इस थिंकिंग को डेवलप करने में। तुम कोई भी रिकर्सिव प्रॉब्लम देख पाओगे, तुम सोच पाओगे कि रिकर्शन कैसे वर्क करते हैं और कैसे उसे अप्रोच करते हैं। सो ये शीट बहुत है रिकर्शन और बैकट्रैकिंग का फील लेने के लिए। ओके और यार नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हें ये शीट कैसी लगी, और किस किस टॉपिक पे तुम शीट चाहते हो, और क्या हमें एक कंप्लीट SD शीट बनानी चाहिए। सो कमेंट डाउन यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।